दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों पर सबकी नजर टिकी हुई है। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। 58 सीटों पर सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार 12 सीटों पर भी बढ़त बनाए हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और चुनाव आयोग के मुताबिक जारी 48 सीटों के शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को 32 सीटों पर बढ़त है और बीजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी को 41.02% वोट मिल रहा है तो आपको 51.77% वोट मिल रहा है। पिछले विधानसभा के मुताबिक आपको वोट शेयर को नुकसान हुआ है और बीजेपी को 10% का फायदा हो रहा है। दिल्ली के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी एक बार फिर सिकंदर बनती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अभी तक के रुझानों में 50 सीटों के पार पहुंच गई है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल बना हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर शुरुआती रुझान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मेरठ में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। चुनाव के रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में बहुमत मिलता देख आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बता दिया कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया। आपके खिलाफ बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी फिर भी हार गए। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के रुझानों में बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने कहा, हम दिल्ली के जनता को समझा नहीं पाए हैं। दिल्ली में बीजेपी को अभी बहुत काम करना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने पार्टी की जीत का दावा किया है। सिसोदिया ने कहा है कि पार्टी को जीत का पूरा विश्वास है, क्योंकि उनकी पार्टी ने 5 वर्षों तक जनता के लिए काम किया है। अपने आवास पर पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए, बुराई पर सच्चाई की जीत होगी। बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजों का इंतजार है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि हम अभी भी आश्वासित हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, जो भी नतीजे आएंगे मैं जिम्मेदारी लूंगा और मेरा सीना सबसे आगे है। जो भी नतीजे आएंगे मैं पार्टी का दिल्ली में अध्यक्ष हूं, मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि अभी रुझान शुरुआती है और कई सीटों पर बढ़त का आंकड़ा मामूली है, मुझे अभी भी उम्मीदें हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर लगा एक पोस्टर चर्चा में आ गया है। इस पोस्टर में गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीर है और लिखा है कि विजय से हम अहंकारी नहीं होते हैं, पराजय से हम निराश नहीं होते हैं। इस पोस्टर को बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने ही लगाया है। रुझानों पर ट्वीट करते हुए आपके रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिल्ली की जनता को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि भारत की आत्मा की रक्षा के साथ देने के लिए दिल्ली की जनता का आभार। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस इस बार भी खाता खोलने में नाकाम दिख रही है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने संभावित हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेता हूं, हम इसकी वजहों की समीक्षा करेंगे। हमारे वोट प्रतिशत में गिरावट का कारण भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के द्वारा ध्रुवीकरण की राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के विरोध में शाहीनबाग में चल रहे विरोध में शामिल होने के बाद घर लौटे माता पिता के बच्चे की मृत्यु के मामले पर संज्ञान लिया है। वहीं इस मामले पर कुछ वकीलों की तरफ से आपत्ति जताई गई है। अयोध्या के 67.73 एकड़ जमीन पर भव्य राम मंदिर के साथ शहीद स्तंभ भी बनेगा, जिसके जरिए मंदिर निर्माण के लिए शहीद कार सेवकों को श्रद्धांजलि देने के साथ सदा के लिए उनका नाम मंदिर परिसर से जोड़ा जाएगा। कानपुर के चमनगंज इलाके में मोहम्मद अली पार्क में नागरिकता कानून का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा कथित रूप से जबरन हटाए जाने के बाद भी महिलाएं धरने पर बैठी हैं। सड़क पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने चमनगंज मार्ग को बंद कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 12 फरवरी को आजमगढ़ जाएंगी, जहां प्रियंका गांधी सीएए पर धरना कर रहे लोगों के साथ मुलाकात करेंगी।
प्रियंका गांधी के साथ बीती 27 जनवरी को लखनऊ में हुई बदसलूकी के मामले में एनएचआरसी ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। इस मामले में एनएचआरसी ने 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने एआईएमआई प्रमुख ओवैसी के सीए और एनआरसी पर दिए बयान का जवाब देते हुए कहा कि मनमानी की तो कागज भी दिखाएंगे और जूते भी खाएंगे। लखनऊ में होने वाले उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रमुख रूप से जिन प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद में रखा जाएगा उनमें अयोध्या पर्यटन, बिना अनुमति पोस्टर लगाना, नमामि गंगे, फिरोजाबाद सदर तहसील का मामला, ग्रामीण पेयजल योजना, सोनभद्र के ओबरा में नई तहसील बनाने के जुड़ा प्रस्ताव शामिल है। बैठक में गांव में पाइप से पेयजल आपूर्ति नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलेगी। उत्तराखंड में सड़क से लेकर अन्य निर्माण कार्य में गड़बड़ होने पर अब ठेकेदारों के साथ ही अफसरों से भी वसूली होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शासन ने अब यह तय किया कर दिया है कि नुकसान होने पर ठेकेदार सहित किसी अफसर से कितनी भरपाई की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक को नुकसान की भरपाई अपनी जेब से करनी होगी। कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड सरकार सतर्क दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर नेपाल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सरकार सतर्क है। नेपाल से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर हरीश रावत ने आपत्ति जताई। हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत को जनता से माफी मांगने को कहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के राहुल गांधी के आरक्षण के बयान पर पलटवार किया था। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा जल्द ही आजमगढ़ में शुरू की जाएगी हवाई सेवाएं। हवाई सेवाएं शुरू होने से दिल्ली का रास्ता होगा आसान। बीआरडी के सस्पेंडेड लेक्चरर डॉक्टर काफिल को सीजीएम कोर्ट अलीगढ़ से मिली जमानत। काफिल पर एएमयू में भड़काऊ भाषण देने पर अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद 29 जनवरी को यूपी एसटीएफ ने काफिल को मुंबई से गिरफ्तार किया था। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी बवाल मचा है। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सड़क पर कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने कोर्ट के फैसले के आलोक में उन्हें पदोन्नति पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। मित्र पुलिस के जवानों में जोश भरने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार की ओर से एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश में सभी थानों के भोजनालय में उत्तराखंडी व्यंजन परोसे जाएंगे। भोजनालय का जो मेन्यू तय किया गया है उसमें उत्तराखंड के सभी डिशेस को रखा गया है। इसका उद्देश्य जवानों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के साथ ही उन्हें राज्य के पारंपरिक व्यंजनों की पहचान कराना भी है। देहरादून नगर निगम में लगातार हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। नगर निगम ने लोगों को टैक्स में समय सीमा से पहले टैक्स जमा कराने पर 20% की छूट का भी प्रावधान रखा था। इसके चलते नगर निगम द्वारा जहां एक और एक ही दिन में एक मॉल से 5 करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अब तक नगर निगम द्वारा 32 करोड़ रुपए टैक्स के जमा हो चुके हैं। इस पर नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि इस बार नगर निगम का टैक्स वसूलने का टारगेट करीब 50 करोड़ रुपए का है, जो शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में वन निगम के अधिकारियों और कर्मियों की मांग पर अब वन विभाग को भी निगम की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत अब वन निगम वनों की कटाई के मामले पर नुकसान होने की स्थिति में वन विभाग की मदद लेगा। प्रदेश में वन कटाई या छटाई की उन जगहों पर जहां नुकसान का अंदेशा है वहां पर वन विभाग द्वारा यह काम किया जाएगा। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए इस पर अमल के आदेश दिए हैं। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद पूरे लखनऊ में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां के प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेटिंग कर वाहनों की चेकिंग की। पुलिस को हर रोज चेकिंग करने के आदेश दिए गए हैं। कुमाऊं की सबसे बड़ी हल्द्वानी जेल में जल्द कैदियों के लिए
टेलीफोनिक सुविधा शुरू की जाने वाली है। अप्रैल से शुरू होने वाले प्रिजन इंटीमेट कॉलिंग सिस्टम के जरिए कैदी जेल से अपने परिजनों से बात कर सकेंगे। इसके अलावा हल्द्वानी जेल को सीसीटीवी युक्त और आधुनिक सुविधाओं से लैस भी बनाया जाएगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि शासन द्वारा जेल रूल मैनुअल बनाया जा रहा है, जिससे कि यह तय किया जाएगा कि कैदियों के लिए टेलीफोनिक सेवा कब और कैसे दी जाएगी। इसके साथ ही हल्द्वानी जेल की सुरक्षा व्यापक रूप से चाक चौबंद हो, इसके लिए जेल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। लखनऊ के बाल महिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल में गर्भवती महिलाएं गंदगी में इलाज कराने को मजबूर हैं। अस्पताल में कई डॉक्टर गायब मिले, जिससे यहां आने वाले मरीजों की लंबी लाइनें देखने को मिली। बांदा में लगातार हो रही गायों की मौत पर प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। बांदा चित्रकूट से सांसद आर के पटेल ने मामले से में पल्ला झाड़ते हुए गीता का ज्ञान दे दिया। पटेल ने कहा, मरना एक दिन मुझको भी है और इंसान भी मरता है। रुद्रपुर में आवास विकास कॉलोनी में यूटर्न लेते वक्त सिल्वर रंग की एक कार सीधे निकल रही दूसरी कार से जा भिड़ी। कार में बैठे व्यक्ति ने खुद की गलती के बावजूद दूसरी कार के मालिक से बदसलूकी कर दी। लड़ाई तब बढ़ गई जब लग्जरी सियाज चला रहे रईस जादे ने अपने दोस्तों को घटनास्थल पर बुला लिया। नशे में धुत इन लोगों ने अपने परिवार के साथ सफर कर रहे कार चालक के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। हैरानी की बात यह थी कि इन रईस जादों को वहां खड़ी भीड़ पिटाई करने से रोक नहीं सकी। हरदोई में चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। चोरों ने सिनेमा चौराहा के पास बियर की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की बियर चोरी कर ली। चोर करीब 200 पेटी बियर को वाहन में लोड करके निकल गए और चंद कदम की दूरी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भनक तक नहीं लग सकी। बिहार में शराब की तस्करी करने वाले तस्कर रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस बार वाणिज्य कर विभाग ने बिहार ले जा रही अवैध शराब की बहुत बड़ी खेप को बरामद किया है। शराब तस्कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन के बहाने लकड़ी के बड़े बॉक्स में शराब भरकर ले जाने की फिराक में थे। तस्करों ने SBI बैंक का फर्जी कवरिंग लेटर भी अपने पास रखा था। शक होने पर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने जब बॉक्स खोलकर देखा तो इसका खुलासा हुआ। पिकअप पर लदे लकड़ी के बक्से में 122 कार्टून शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपये बताई जा रही है। सीतापुर में एक शख्स ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। मानव के दरिंदे बने शख्स ने 3 साल की मासूम बच्ची को बिस्किट देने के बहाने बुलाया, फिर उसका रेप कर हत्या कर दी। आरोपी की करतूत खुलने के डर से बच्ची के शव को अपने ही घर में बोरे में बांधकर छुपा दिया। मामले की जानकारी होने पर परिजनों ने आरोपी के घर में मासूम के शव को बरामद किया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिरोजाबाद में सोमवार रात रेप पीड़िता के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो अपनी नाबालिग बेटी के रेप के मामले की पैरवी कर रहा था। घर वालों ने भी रेप के आरोपी पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या की वारदात से परिजनों में पुलिस के प्रति खासा गुस्सा है। उनका कहना है कि पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो हत्या नहीं होती। आरोपी काफी दिनों से फरार है, लेकिन उसे पकड़ा नहीं गया है। फिरोजाबाद में सोमवार को रेप पीड़ित लड़की के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में लापरवाही के चलते SSP ने 2 थानों के इंस्पेक्टर और 1 चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया। मृतक परिजनों ने थाने में शिकायत की थी कि आरोपी लगातार उन्हें धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बता दें कि थाना उत्तर के तिलक नगर में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। मृतक ने आरोपी पर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया था, जिसके चलते उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। जालौन में कोर्ट ने बेटी के रेप के आरोपी कलयुगी पिता को 21 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी 12 साल की बेटी को हवस का शिकार बनाया था। पीड़ित के दादा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। रामनगर में अवैध खनन को लेकर प्रशासन और खनन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर खड़ंजे गेट पर छापेमारी की। प्रशासन की टीम को देखकर खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। कई वाहन मालिक अपने वाहनों को छोड़कर वहां से फरार हो गए। प्रशासन ने मौके पर 3 ट्रैक्टर सहित 2 डंपरों को सीज कर दिया।
आंचनदूल के सप्लाई टैंकर और यूपी रोडवेज बस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते टैंकर चालक बुरी तरह से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे टैंकर चालक कैबिन में फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। चालक को गंभीर हालत में हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं बस में सभी यात्री सुरक्षित हैं। कौसाम्बी के सैनी कोतवाली इलाके के त्रिलोकपुरी गांव के नजदीक नेशनल हाईवे 2 पर तेज रफ्तार कार और कंटेनर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक जो सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने बजाज फाइनेंस के ऑफिस में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने दिनदहाड़े कर्मचारी को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अब तक 43,098 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,018 लोगों की मौत इस घातक वायरस से हो चुकी है। कुल बीमार लोगों में से 40,171 संक्रमित लोग सिर्फ चीन से हैं, जहां अब तक कुल 908 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। विश्व स्तर संगठन इससे लेकर बेहद चिंतित है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि यह एक बड़ी भयानक महामारी की शुरुआत है, क्योंकि अभी हमें इस भयानक महामारी का खतरनाक रूप देखना बाकी है। पूरी दुनिया को इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है, साथ ही अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। मंगलवार को शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 41,000 के पार रहा और निफ्टी 128.20 अंक चढ़कर 12,000 के पार रहा। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट का दौर लगातार जारी है। कोरोना वायरस के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में कमी का सीधा असर ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। मंगलवार को दिल्ली में 71.94 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 64.87 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। ICC इस महीने के आखिर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले महिला T20 विश्व कप में पहली बार फ्रंट फुट नो बॉल तकनीक का इस्तेमाल लागू करेगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों को ICC की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया। खिलाड़ियों पर ये आरोप मैच के बाद दुर्व्यवहार करने पर लगे हैं। कमाल अमरोही ने महल से लेकर पाकीज़ा जैसी फिल्में बनाई, जिसे आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। वो अपने दौर के बड़े जाने माने फिल्मकार रहे हैं। उन्हें आज उनकी पुण्यतिथि है, उन्हें आज भी काफी याद किया जाता है। राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में राखी ने सिद्धार्थ शुक्ला की तारीफ करते हुए उन्हें एक अच्छा इंसान बताया है। इस वीडियो में राखी ने यह भी बताया कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं होता है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली वैलेंटाइन मनाने के लिए न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। ऐसे में ये पूरा वैलेंटाइन वीक पति विराट कोहली के साथ एंजॉय करेंगे। अनुष्का ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं।